देखो क्वेश्चन है कि सरफेस ऑफ अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका बाय गिविंग अ वेलोसिटी दैट इज 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ये वेलोसिटी देके हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो कितनी हाइट उसने अटेन की ये क्वेश्चन में निकालना है। तो जब भी वेलोसिटी गिवन हो और हाइट निकालनी हो तो क्या करना होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस सरफेस के ऊपर एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस सरफेस के ऊपर विल रिमेन सेम। तो इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी सरफेस के ऊपर क्या आएगी, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, और काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम एस्केप वेलोसिटी का 3/4 का स्क्वायर, यही आएगी। ठीक है, ऐसे भेजा हमने 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, और काइनेटिक क्या होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0। तो इक्वेशन बनाओ, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय आर प्लस हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू 9/16, 3/4 का स्क्वायर 9/16 इंटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, ओपन कर लिया। तो यहां से माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय आर प्लस 1/2 एम इंटू 9/16 इंटू एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 2g बड़ा एम बाय बड़ा आर का होल स्क्वायर, है ना। इसमें प्लैनेट का मास, अर्थ का मास आता है। तो फॉर्मूला पुट कर दिया, तो इसे प्लीज थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। तो माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस हाफ इंटू एम इंटू 9/16 इंटू 2gm बाय कैपिटल आर। यहां से अगर आप ध्यान से देखें, कैपिटल जी एम स्मॉल एम, कैपिटल जी एम नहीं स्मॉल एम नहीं, हाँ ठीक है, कैपिटल जी एम स्मॉल एम, कैपिटल जी एम स्मॉल एम, कैपिटल जी एम स्मॉल एम, सब क्या हो गया, कैंसल। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, माइनस 1/r प्लस एच इज इक्वल टू माइनस 1/r प्लस 9/16 आर। इसे प्लीज सॉल्व करें, बताएं एच और आर में क्या रिलेशन है, किधर 2 से 2 कट गया ना, कट गया, तो कितना आंसर आ रहा है, एच और आर में रिलेशन निकालें, 9/7 आर, चेक करें प्लीज क्या यही आंसर आ रहा है।